नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए की 50 गवाहों की लिस्ट में आतंकी मसूद अजहर का नाम शामिल। एनआईए की टीम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार, पाक से लिखित गारंटी का इंतजार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा वार्ता के 19वें दौर में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे। आतंकी मसूद अजहर का उठा सकते हैं मसला, चीन के राजनयिक यांग जीएची से होगी बातचीत। ईरान पाक की नौसेना करेगी संयुक्त अभ्यास, फारस की खाड़ी में दोनों देशों के युद्ध पोत लेंगे हिस्सा, सामरिक लिहाज से माना जा रहा है महत्वपूर्ण। सरकारी बलों ने सुरक्षा के 2 बाजारों में बरसाए बम, 44 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर स्थानीय नागरिक। काबुल में आतंकी संगठन तालिबान ने सीक्रेट सर्विस को निशाना बनाकर किया था ब्लास्ट, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 12 आतंकी, अब तक 28 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। यूगोफ के सर्वे का खुलासा, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि नाटककार और अभिनेता विलियम शेक्सपियर को ब्रिटेन से ज्यादा भारत में चाहने वाले, 23 अप्रैल को शेक्सपियर की 400वीं बरसी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।